चेयरपर्सन अनासर मुल्क में मिलत के लिए बड़ा खतरे को करार देते हुए बनी और कोटी चंडीहार में लोगों ने एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू में आए शर्मनाक वाकत की सख्त अल्फाजात में मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि रसूल की शान में अलमनाक गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि जो समाज को बांटने का काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पेश आया है उन लोगों ने जो ये काम किया और ऐसी बातें कही हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ये खारिज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लोगों, पूरे मुल्क के लोगों के लिए ये बात बड़ी अलमनाक, बड़ा शर्मनाक वाक्य है। और जैसा उन्होंने ये लिबादा लिबास जो पहना हुआ है वो अपने धर्म के पंडितों के लिए, धर्म के मानने वालों के लिए, उनके जिम्मेदारों के लिए भी बहुत उनको शर्मसार करता है कि उनका लिबास पहने कि उन्होंने ऐसी गलत बातें की, क्योंकि कोई धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो हमारा कहना है कि बहुत बड़ा बड़ा बुरा काम हुआ, हमें इसका बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है। मैं अपनी तरफ से और सारे पूरे बने कॉन्स्टिट्यूंस की तरफ से, एक बच्चे बच्चे की तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि ये उन्होंने बहुत बुरा काम किया है, एक अच्छा काम नहीं किया है। भाई की ये काम करते हैं कि सबसे पहले उन पर जो है BSA लगाया जाए, उनको जैसे अंदर दिया। मैं पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, IGP साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने उनको अरेस्ट किया है, पुलिस ने अरेस्ट किया। और पुलिस अपनी जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाए और इस तरीके से काम करे ताकि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी जो है किसी दूसरे इंसान के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ दोबारा बात करने की हिम्मत ना।